हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज पैरासाइट डिसीज़ के बारे में बताएंगे, पैरासाइट डिसीज़ एंड वुलचेरिया ब्रोंकॉप्टी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। वुलचेरिया ब्रोंकॉप्टी एक पैरासाइट डिसऑर्डर है, लाइक अदर नेम इज राउंड वॉर्म, लाइक सेकेंड अदर नेम फिलेरियसिस वॉर्म कहते हैं इसे, जिसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लेयूरिया, जिस कारण से क्लेयूरिया डेवलप होता है इसी बैक्टीरियाज के कारण, उसकी वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने वुलचेरिया ब्रोंकॉप्टी की कंप्लेंस बताई थी। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली फिलेरिया और एलिफेंट डिसीज़ के बारे में बताऊंगी जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इनके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे वुलचेरिया ब्रोंकॉप्टी, राउंड वॉर्म्स, फिलेरियसिस वॉर्म, एलिफेंट्स लेग्स, ये 4-5 नेम्स होते हैं इनके वुलचेरिया के। वुलचेरिया ब्रोंकॉप्टी मीन्स होता है ह्यूमन पैरासाइट वॉर्म इज द मेजर कॉज ऑफ लिम्फैटिक फिलेरियसिस। देयर आर 3 पैरासाइट्स वॉर्म टुगेदर विद द प्रूगिया मेलिए बी ट्रीमोरी, ये 3 पैरासाइट्स होते हैं जिनके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। द इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम टू द कॉजेज ऑफ लिम्फैटिक फिलेरियसिस, देयर फिलेरियसिस वॉर्म आर द स्प्रेड बाय द वैक्टर ऑफ द मॉस्क्यूटो वैक्टर स्पेसिस, ये मच्छर के काटने से होता है, स्पेशली इंसाइड हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, जिसके कारण ये एलिफेंट्स लेग्स अपियर हो जाते हैं। मेन कॉजेज है इसका लिम्फैटिक फिलेरियसिस। फिलेरिया इन्फेक्शन कैन आल्सो कॉजेज ट्रोपिकल पल्मोनरी इंसिनोफिलिया सिंड्रोम्स एंड लिम्फैटिक फिलेरियसिस। राउंड वॉर्म साइनिंग सिम्टम ऑफ बीवी वुचेरिया ब्रोंकॉप्टी, फीवर, लिंगुअल एंड एक्सटर्नली लिम्फोएडिनोपैथी, टेस्टिकुलर लिंगुअल पेन्स, स्किन एक्सट्रीफिल्ट्रेशंस, लिम्ब्स पेन, जेनाइटल स्वेलिंग्स, लिम्ब स्वेलिंग्स, इन्फ्लामेशंस, एलिफेंटेसिस ऑफ द लेग, आर्म्स, स्क्रोटम, वल्बा, ब्रिस्टिस, वेस्ट एंड लिम्फेंजाइटिस, लिम्फैटिक वेसल्स अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर, शेकिंग, चिलीज एंड बॉडी पेन, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, रेडनेस, कॉफ, स्नेजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एंड स्लाइट पेन इन ऑल ओवर बॉडी इन द लिम्स एंड जॉइंट्स पेन एंड मोर इन्फ्लामेशन एंड मोर स्वेलिंग, ये एक साइनिंग सिम्टम होते हैं एलिफेंट लेग्स के, वुचेरिया ब्रोंकॉप्टी के एंड फिलेरियसिस वॉर्म्स के। इनके होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दें, ये पैरासाइट डिसऑर्डर है, इसे क्योर होने में बहुत समय लगता है। जैसे कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं या आपने कभी किसी को देखा होगा कि एलिफेंटेसिस लेग्स हो जाती है, पूरा पैर इतना बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, वो हाथी के जैसा शो करता है, तो उसे क्योर करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसकी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो बहुत लेट से क्योर होती है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है, स्पेशली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। बट होम्योपैथी में भी इसे लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट लगता है और ये बहुत टाइम में क्योर होते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको ये गाइडलाइन दूंगी कि आपको होम्योपैथी कंसल्ट करें, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। होम्योपैथी में इंबलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं। जो मेडिसिन सेलेक्ट की जाएगी एलिफेंट हैथिस की, वो आप उसे अगर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप परमानेंट क्योर हो सकते हैं। बट इस वीडियो में जो मैं मेडिसिन डिस्क्लोज करूँगी वो एक कॉमन मेडिसिन है जो एक एलिफेंट लेग्स को इफेक्ट करती है, स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करती है। ये मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जनरल मेडिसिन हैं, और जो सिम्टम्स के बिहाफ मेडिसिन सिलेक्ट करके इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूँगी। अगर आपको एक्यूट स्वेलिंग्स अपीयर हुई है, आपको अभी पता चला कि आपको वुचेर ब्रोंकॉप्टी से सफ़र कर रहे हैं, पैरासाइट डिसीज़ हुआ है, तो एक्यूट कंडीशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में 3-4 वीक्स। अगर रिलीविंग है तो इसे 24 वीक्स या 9 मंथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। मेडिसिन्स नेम है एपिस 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एप्टी स्टमक, 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड। सेकेंड मेडिसिन है रेस्टॉक्स 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ये भी 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 4 पिल्स नाइट आफ्टर। बट ये दो मेडिसिन को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग एक नाइट, ईच मॉर्निंग ईच नाइट। बट अगर एक सिंगल मेडिसिन यूज़ करना है तो सिंगल मेडिसिन भी आप 4 पिल्स मॉर्निंग 4 पिल्स नाइट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही मेडिसिन लिम्फेटिक सिस्टम्स को कवर करती हैं, और जिस तरीके से इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, लेग पेन, स्किन रैशेस एंड लिम्फ नोड्स रेडनेस, कॉफ, स्नेसिन, जितने भी तरीके के साइनिंग सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये दोनों मेडिसिन बहुत मेडिसिन कवर करती हैं। डाइट इंस्ट्रक्शन है, पिकल्स अवॉइड करना है, जैसे स्वीट सॉल्ट अवॉइड करना है, विटामिन से रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वुचेरिया ब्राउन क्राफ्टी राउंड वॉर्म फिलेरियासिस वॉर्म एंड एलिफेंटिक लेग से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।